जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? भैया न्याय होना चाहिए, घर के लिए पैसा दिया था तो घर चाहिए बस, और कोई प्रदर्शन नहीं है। पैसा आपने किसको दिया था? जेपी ग्रीन्स को दिया था और किसको दिया था? हाँ, क्या कह रही है? कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई सामने ही नहीं आ रहा है, ना कोई जवाब है ना सवाल है। किससे यहाँ पे देखिए हम आए हैं, कौन है यहाँ पे हमें देखने वाला? आप ये मांग कर रहे हैं, जेपी ग्रुप्स इतना अच्छा होता तो मांग तो हमारी योगी और मोदी जी से है कि न्याय दिलाएं जेपी से। इतना फ्रॉड है वो, अगर वो इतना अच्छा होता तो मांग उससे, इसीलिए तो घर गए थे, इतना करोड़ों रुपया लगा दिया अपना इसी विश्वास पे ना कि देगा घर। तो अभी तो मांग योगी जी से और मोदी जी से है कि जो जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसकी पूरी जानकारी देंगे। सर आपका नाम? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जी, आज ये जंतर मंतर पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हमारी पहली मांग है कि सिचुएशन को सही तौर से सबके सामने पेश किया जाए। तो सिचुएशन क्या है, क्या बताऊं आपको? सिचुएशन ये है कि 2012 से लगातार डेली बेसिस पे बायर्स का 5 करोड़ रुपया जेल और जेआईएल के बीच में साइफन ऑफ हो जाता है, जिसकी टोटल लॉस अभी 6,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा जो घर नहीं मिले हैं और घर की कॉस्ट जो दी है वो अलग, तो टोटल 20,000 करोड़। ये 2013 से कार्रवाई हो रही है, अभी तक गवर्नमेंट चुप क्यों थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों चुप थे? कल इंफोसिस के एक डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया और इमीडिएटली उनके सारे डायरेक्टर्स और उनके सारे मेंटर ने आके जवाब दिया। आज तक जेपी के किसी डायरेक्टर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी भी डायरेक्टर ने, जिसमें बैंक के नॉमिनी भी हैं, आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। बैंक के नॉमिनी ने पिछले 2013 से ये नहीं पूछा है कि आपका रेजोल्यूशन प्लान क्या है, और अभी आप 2017 में गवर्नमेंट चाहती कि कोई रेजोल्यूशन प्लान बने? नहीं, गवर्नमेंट का सिर्फ एक काम है, वो पता करे कि ये हालत कैसे हुई है, उसके बाद एक्शन ले। पहले कंपनियां बनाई जाती हैं, लोगों को पैसा लगाया जाता है, उसके बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित किया जाता है। न जाने क्यों दिवालिया घोषित किया जाता है। आज बहुत सारे लोग इन ग्रुपों से, जो एक जेपी ग्रुप एक अपने आम में एक बहुत बड़ी कंपनी थी बिल्डर्स से, उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित करने के बाद में जो यहाँ लोग उनसे परेशान होकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है, किन मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन पिछले कई महीनों से, सालों से चल रहा है, पर आज जो हम सरकार से और अधिकारियों से जो मांग कर रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि जो जेपी ग्रुप की सभी कंपनियों को दिवालिया घोषित किया जाए, उनकी अकाउंट्स की फोर्सनिक जांच कराई जाए और इनका कॉर्पोरेट वेल्थ हटाया जाए, जिससे पता चल पाए कि होम बायर्स ने जो पैसा करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए है, वो इंफ्राटेक लिमिटेड ने लेकर कहां कहां बांटा, कहां कहां बंदर बांट करी। इस पैसे से इन्होंने 5-star होटल्स, 7-star हॉस्पिटल्स, मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस बनाए, जो कि आज बड़े मोटे प्रॉफिट में चल रहे हैं, पर जिस कंपनी से इन्होंने पैसा निकाला है इलीगल तरीके से, उस कंपनी को दिवालिया घोषित करके हमारे हितों को, हमारे अधिकारियों को वंचित करना चाहते हैं। और ये चाल चल रहे हैं, इस तरह से चाल चली जा रही है कि हमारे मकानों को नीलाम करके गवर्नमेंट, अधिकारी, बैंक किसी और बड़े बिल्डर्स को बेचेंगे, वो जो दोबारा इनको बड़ी मोटी रकम पे बेचेगा, फिर वही साइकिल चलेगा, फिर दोबारा होम लोन बांटे जाएंगे, फिर हम भी चक्कर में आएंगे और पुराने होम लोन को मैं चुकाता रहूंगा पूरी जिंदगी भर, ईएमआई मेरी बंद नहीं हो सकती, नया होम लोन लेके और उसके ऊपर फिर मैं ईएमआई देता रहूंगा, बैंक प्रॉफिट कमाते रहेंगे और जनता पिसती रहेगी। सरकार का क्या रवैया इन कंपनियों के साथ?
सरकार का रवैया आप इसी बात से देख सकते हैं कि रेरा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसमें उन्होंने जो कि जैसा हम चाह रहे थे पिछले 5 साल से संघर्ष करते रेरा बने, वो रेरा उस तरह से नहीं बन पाया था। फिर भी रेरा काफ़ी सख्त बनाया था, हमें उम्मीद थी कि इस रेरा को स्टेट गवर्नमेंट सभी एज इट इज़ लागू करेंगी, पर अब रेरा को इसी भाजपा गवर्नमेंट की सरकार के नीचे यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों ने रेरा को डायल्यूट किया है। उस रेरा को बिल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए चेंज कर दिया गया है। सर अगला कदम क्या होगा, आमरण अनशन का होगा, ये आपकी तकती है? ये अगला कदम हमें यही करना पड़ेगा, और कुछ लोग जो हमारे साथी लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे वो शायद किसानों की तरफ भी कई कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो जाएं। किसानों की तरक्की से जैसे आप इसको स्पष्ट बताएं, वो आपको स्पष्ट रूप से पता है कि किसान आत्महत्या करते हैं तो सरकार सुनती है, उनके घर में जाके जैसे हमारे जेटली जी ने हमें सिर्फ सहानुभूति दी है, वैसे ही सहानुभूति जो लोग आत्महत्या कर लेंगे उनके घर जाके सहानुभूति दी जाएगी, पर मकान फिर भी नहीं मिलेंगे, जो रवैया सरकार का है। अपनी पीड़ा को किस तरीके से बता रहे हैं, उदाहरण दिए जाते हैं कि किसान जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं, एक दिन आमरण अनशन के लिए ये भी लोग तैयार हो रहे हैं, तो इनका जो सरकार है, भारत सरकार, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आइए और हम जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? डी दत्ता। मैं 2010 साल में जेपी में ईस्ट टाउन बुक किया था कॉस्मोस में, उस टाइम सरकार से ये प्रोजेक्ट अप्रूव था, बैंक से ये प्रोजेक्ट अप्रूव था, इसीलिए हम लोग पैसा लगाया। अभी जब प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा पास कोई नहीं है, ना सरकार है ना बैंक है, अथॉरिटी से भी ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। दूसरा बात ये बोलना चाहूँगा, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था वो जयप्रकाश एसोसिएट्स के साथ हुआ था, ये जेपी इंफ्राटेक के साथ नहीं हुआ था। हमारा प्रोफेशनल जो अलॉटमेंट लेटर है दैट इज़ मेड ऑन द जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड व्हिच इज स्टिल ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। जेपी इंफ्राटेक इज ए स्मॉल कंपनी, सो इवन इफ गेट्स बैंकक्राफ्ट वी आर नो, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है जयप्रकाश एसोसिएट्स के साथ। सो हमें सरकार से यही बोलना है दैट एक्ट ऑन जयप्रकाश एसोसिएट्स, दे हैव गॉट ए ह्यूज प्रॉपर्टी, दे आर लीगली लायबल टू द बायर्स बिकॉज दे हैव मेड द एग्रीमेंट, इफ रिक्वायर लिक्विडेट सम ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड एनश्योर दैट द फ्लैट्स आर डिलीवर्ड। मोदी जी राइटली सेड दैट होम फॉर ऑल, दैट शुड कम इन रियलिटी इन केस ऑफ जेपी ऑल्सो। दत्ता जी क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगर हम लोग इसमें सरकार से कोई नई एक्शन लेते हैं, वी विल एस्केलेट, हम लोग लीगल एक्शन के भी लेंगे, हम लोग वी विल सीट इन द जेपी, सम अनवांटेड एक्शन लाइक सुइसाइडल एक्शन में ऑल्सो टेक, सो विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, विच इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल, सो इट्स द राइट टाइम गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन द बिल्डर्स एंड एंश्योर दैट वी गेट जस्टिस। सर यूपी सरकार, हरियाणा सरकार या जो इससे संबंधित सरकार हैं, राज्य सरकार हैं, वो क्या आश्वासन दे रही हैं? अभी तक तो जस्ट वर्बल एश्योरेंस, सिंपैथी दे रहे, सिंपैथी से काम नहीं होगा, हमें चाहिए कुछ फर्म एक्शन, बिल्डर का ऊपर एक्ट करो एंड उससे फ्लैट बनाओ, सिंपैथी से हमारा काम नहीं होगा। दैट सिंपैथी ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल द गवर्नमेंट दैट सिंपैथी विल अफेक्ट योर वोट बैंक इन द कमिंग इलेक्शन ऑल्सो, सो प्लीज टेक इट सीरियसली द पब्लिक मूड।